तो हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में मैं बात करूंगा आपको फाइनल अकाउंट में कौन से बेसिक एडजस्टमेंट से जो आते हैं, प्लस साथ में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पिछले पांच अटेम्प्ट में, पांच बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे एडजस्टमेंट थे जो कि बेसिक एडजस्टमेंट से अलग थे। तो डिफरेंट अलग एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में क्या आ सकते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है वो आपके लिए थोड़ा ट्विस्ट वाला है, तो देखिए आप वो आपको आप कर सकते हो कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग बेसिक एडजस्टमेंट क्या आते हैं एग्जाम में जो कि नॉर्मली रहते हैं। देखिए एग्जाम में आपको नॉर्मली पांच एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे, चार ऐसे रहेंगे जो आपको आएंगे जो कि एकदम बेसिक रहेगा, बट एक एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा जो कि नया रहेगा। तो वो क्या रहता है, पिछले पांच अटेम्प्ट में वो कौन सा ऐसा एडजस्टमेंट था, तो आप देखिए आपको आ रहा है क्या। जैसे कि मैंने बोला फिफ्थ एडजस्टमेंट थोड़ा ट्विस्ट वाला है, आप देखना वो आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम में आता है पहला जो कि बेसिक एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, तो आप लिख पाओगे ये। अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड का ये बेसिक एडजस्टमेंट है सर, प्रीपेड है तो पहला इफेक्ट माइनस है, दूसरा इफेक्ट सर ऑब्वियसली बैलेंस शीट के असेट साइड में। अगर अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग नॉर्मली एक्सपेंस है, तो आपको भी पता है इसका उल्टा करते हैं हम लोग, ये आउटस्टैंडिंग है बाकी है तो ऐड करो और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वो एक्सपेंस को लिख दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे उतना परसेंटेज या फिर अमाउंट दिया रहेगा वो, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट देना होता है। नेक्स्ट चीज, अगर बैड डेट्स है या फिर आरडीडी है तो बैड डेट्स भी डेटर में से माइनस करो और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। आरडीडी भी सेम इफेक्ट है, माइनस करो और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। सर अभी ये तो हो गया एकदम बेसिक एडजस्टमेंट जो कि हमको आता है, तो चलिए अच्छी बात है अगर आपको ये बेसिक एडजस्टमेंट अगर आपको आ रहा है। अभी एक एडजस्टमेंट जो अलग रहता है, तो पिछले पांच महीने बोर्ड अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को मैंने देखा, एनालिसिस किया, और वो जो एक एडजस्टमेंट सब में नया था, ऐसे पांच अटेम्प्ट के पांच बोर्ड पेपर के मैंने पेपर्स का वो एक एडजस्टमेंट जो होता है उसको अलग निकाला है। और चलिए अभी वो क्या अलग है हम लोग जरा देखते हैं। सबसे पहला वाला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, चेक करो आपको आ रहा है क्या। मैं यहाँ पे इफेक्ट आपके साथ बताने वाला हूं। देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये वाला अगर आपके एग्जाम में एडजस्टमेंट आता है तो इसका इफेक्ट क्या आपको पता था। देखिए पहला इफेक्ट इसका होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा हमने गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने एडवर्टाइजमेंट किया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पार्टनर्स विदड्रॉ गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज, तो इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप एज अ ड्रॉइंग करके मेंशन करोगे। ठीक है, चेक करना आप ये कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, ये एक बोर्ड एग्जाम में एक नया था एडजस्टमेंट, और ये एक बोर्ड एग्जाम में अलग था जो कि बेसिक्स एडजस्टमेंट से थोड़ा डिफरेंट था। अभी तो चलिए आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, हमारे गोडाउन में गुड्स थे उनको आग लग गई, ठीक है, जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस था, इसके लिए क्लेम मतलब नुकसान भरपाई किया। फॉर एग्जांपल हमारे गुड्स आग लगने से जले 8000 के, और इंश्योरेंस कंपनी ने नुकसान भरपाई नॉर्मली पूरा नहीं देता है, एग्जांपल 7000 के। ठीक है, अगर ये एग्जांपल आए एग्जांपल है तो इसका पहला इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर लिखना है जो कि 8000 होगा। दूसरी चीज, बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको इंश्योरेंस क्लेम लिखना है जो कि 7000 होगा। थर्ड चीज, थर्ड इफेक्ट या फिर तीसरा इफेक्ट आएगा, हमारा गुड्स चला 8000 का, पैसा मिला 7000, तो ये बीच में हमारा नुकसान हो गया कितने का, 1000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना पड़ेगा 1000 रुपीज। आप लिख पाओगे। ठीक है, अभी आगे जो मैंने आपको बोला था ट्विस्ट वाला एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखिए नॉर्मली कैपिटल आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अभी आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल अभी याद रखना, जब हमारा इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट हमारा अगर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में है, वहां पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग आ गया, ठीक है, ये हमारा
इंटरेस्ट इज आवर इनकम जो कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में, तो वहां पे आपका पहला इफेक्ट होने वाला है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में आप जाके इंटरेस्ट में ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके, और सेकेंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में होगा क्योंकि सर ये इनकम रिसीवेबल है, इनकम हमको मिलना बाकी है और अगर इनकम मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस शीट में असेट्स में इफेक्ट जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता था तो हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाता था, ठीक है। ये इनकम आउटस्टैंडिंग है इसके लिए बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। अभी ये थे पिछले 5 बोर्ड एग्जाम के अलग अलग एडजस्टमेंट। मैंने जैसे आपको बताया बेसिक एडजस्टमेंट जो कि नॉर्मली ये रहते हैं और इनके साथ एक एडजस्टमेंट अलग रहता है, तो वो कौन सा रहता है जो भी अभी मैंने आपको बताया वो थे अभी तक, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा वो एडजस्टमेंट। अगर नहीं भी आते थे आपको तो मैंने आपको उसका इफेक्ट आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो वी आर हियर फॉर यू, आपको डरना नहीं, एग्जाम को अच्छे से फेस करना है। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।